हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वाटरमेलन जेली की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो कि बच्चों को बहुत पसंद आएगी और इसे हम आज बिना जेलेटिन बिना अगर अगर के बनाने वाले हैं। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे तरबूज को पीसेज में कट कर लिया है और इसके बीज को भी निकाल लेना है फ्रेंड्स। ऊपर ऊपर जो भी बीज होगा उसे हमें निकाल लेना है। उसके बाद हम इसे जार में डाल देंगे और इसे पीस लेते हैं मिक्सर में। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसे मिक्सर में पीस के मैंने जूस बना लिया है। तो इस तरह से जूस बना लेना है। उसके बाद हम पैन लेंगे और इसे छान लेंगे। हमें छान लेना है ताकि जो भी बीज वगैरह होगा वो निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे छान लेते हैं। अगर आप पका हुआ आम का बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसेस से आप पका हुआ आम का भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने सारे जूस को निकाल लिया और ये टोटल 2 कप के बराबर जूस है। उसके बाद हम इसे गैस पर रख देंगे अब और इसमें उबाल आने देंगे। और यहाँ पे मैंने 6 चम्मच के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है फ्रेंड्स, यानी अरारूट, जिसे अरारूट भी कहते हैं। तो ये 6 चम्मच लेना है हमें और इसका घोल बना लेना है। तरह से पानी डाल के हल्का सा घोल बना लेंगे। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा उबाल आ गया है और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड कर दिया है फ्रेंड्स। फूड कलर बिल्कुल ऑप्शनल है, इससे टेस्ट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालें उसमें। उसके बाद कॉर्नफ्लोर वाला घोल को डाल देंगे और इसे गाढ़ा होने तक पका लेंगे। कंटिन्यू चलाते रहना है ताकि ये जले ना, और गाढ़ा होने तक इसे पका लेंगे। उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे 1/2 कप के बराबर। तो 2 कप जूस था तो इसमें 1/2 कप चीनी डाल देंगे। उसके बाद कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे और देखिए इसे इतना गाढ़ा करना है। थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेते हैं तो इस तरह से पूरा हो जाएगा एकदम ठीक। तो हमें बस इतना ही इसे गाढ़ा करना है फ्रेंड्स। अब हम गैस को बंद कर देते हैं। इसके बाद जो भी कप या फिर कटोरी में आप जेली को बनाना चाहते हैं उसे सबसे पहले आप ऑयल से ग्रीस कर लें ताकि निकालने में आसानी हो। तो मैं इस ग्लास को ग्रीस कर लेती हूँ ऑयल से और ये कटोरी को भी। उसके बाद हम गरम में ही सभी में फिल कर देंगे फ्रेंड्स। इसे ठंडा नहीं करना, गरम में ही फिल कर देना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिले। तो मैंने यहाँ पे सभी में फिल कर दिया है। उसके बाद हम इसे सेट होने के लिए 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो ये 1 घंटे में सेट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही जल्दी सेट हो गया। उसके बाद हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। उसके बाद हम सभी को ग्लास वाला भी निकाल लेते हैं। और बहुत ही बढ़िया एकदम सॉफ्ट जेली बनी है फ्रेंड्स, खाने में भी टेस्टी है। तो ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप भी इसे घर पे बना के ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।